नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं प्रशांत स्वागत करता हूं वन इंडिया में। आईसीसी T20I अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपना पांचवां स्थान बरकरार रखा है, जबकि टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को एक पायदान का फायदा होते हुए वो छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली के 762 अंक है। वहीं आईसीसी रैंकिंग्स में अभी भी इंग्लैंड के डेविड मलान का जलवा कायम है और वो टॉप पर बने हुए हैं। नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया के सफेद गेंद के कप्तान एरन फिंच है। वहीं नंबर 3 पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम काबिज है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वनडे रैंकिंग्स के टॉप पर बने हुए हैं। जल्द ही पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20I मैचों की सीरीज खेलने वाली है। इसमें अच्छा प्रदर्शन कर वो T20I रैंकिंग्स में भी बड़ा फायदा ले सकते हैं। टीम इंडिया के केएल राहुल 743 अंकों के साथ छठे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल एक पायदान की छलांग के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। राहुल और कोहली टॉप 10 में शामिल दो भारतीय बल्लेबाज हैं। खास बात यह है कि केएल राहुल और विराट कोहली ने पिछले 4 महीने से एक भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। विराट ने अपना आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 20 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेला था। केएल राहुल ने अपना आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 18 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेला था। आईसीसी की ओर से जारी ताजा रैंकिंग्स में विराट कोहली के 762 अंक हैं। कोई भी भारतीय खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स की गेंदबाजी और ऑलराउंडर की टॉप सूची में शामिल नहीं है। वनडे रैंकिंग्स में कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा टॉप 5 में बने हुए हैं। कोहली आजम के बाद दूसरे स्थान पर काबिज हैं। हाल के दिनों में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल कोई भी लिमिटेड ओवर की सीरीज नहीं खेलने वाले। आने वाले समय में इनकी रैंकिंग्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।